आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10,000 तक के बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि 10,000 तक के हैं, और इनके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसकी बैटरी के बारे में बताऊंगा, रैम के बारे में बताऊंगा, तो सब कुछ बताऊंगा और आप इसमें से चूज करके कोई भी फ़ोन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोको C3 की। इस फ़ोन की कीमत आपको 8,000 रुपये में मिलेगी और यहाँ पर आपको 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मिल जाएगी। अगर इसी को आप 4GB रैम और 64GB स्टोरेज में ख़रीदेंगे तो इसकी कीमत होगी 9,000 रुपये। इस फ़ोन में आपको 6.53 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी और इसमें MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलेगा, 4GB रैम और ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का रहेगा और दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए इस फ़ोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। पोको C3 में 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी। दूसरा स्मार्टफोन की बात करें तो दूसरा स्मार्टफोन है Redmi 8 का आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलेगी और इसमें आपको 9,999 रुपये खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 रुपये। इस फ़ोन में आपको 6.2 इंच की नॉन HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी और स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर मिलेगा, डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें 12 मेगापिक्सल का सोनी IMX363 प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। इसमें 5000 की mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी। बात करते हैं तीसरे स्मार्टफोन की, तो तीसरा स्मार्टफोन है Realme C12। इस फ़ोन में आपको 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। इसकी कीमत आपको 9,000 रुपये देनी होगी और इस फ़ोन में आपको 6,000 mAh की बैटरी दी गई है। बहुत ही बढ़िया बैकअप आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप है जिसमें एक लेंस 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 2 मेगापिक्सल का और तीसरा 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाएगा। बात करें चौथे स्मार्टफोन की, तो चौथा स्मार्टफोन है Moto E7 Plus। इस फ़ोन की कीमत आपको 9,500 रुपये देनी पड़ेगी, जिसमें आपको फ़ोन में 6.5 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी और साथ में 10 वाट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। बात करें पांचवे स्मार्टफोन की, तो पांचवा स्मार्टफोन है Redmi 9। Redmi 9 में 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी। इसमें आपकी जो फ़ोन की कीमत है वो 9,000 रुपये रहेगी। वहीं इससे 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाली की कीमत आपको 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। Redmi 9 में 6.53 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको यहाँ पे 5000 mAh की मिल जाएगी। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ बेस्ट स्मार्टफोन जो कि 10,000 से नीचे के आते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फ़ोन लेना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर लगातार ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।